ये मार्केट एक्चुअली 40 साल से भी ज़्यादा हो गया जो हम लोग का चल रहा है। जो दत्ता सामान का जो मिल्स हुआ संप, उसके बाद ये जो लोगों ने छोटा छोटा धंधा रोड पे लगाना शुरू किया, उसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, हाँ, ऐसे करके ये मार्केट बना। ये मार्केट भी 4 घंटे का है, शाम का 4 घंटे में भी पिक आवर है समझो 6 से 8। हमारा कोई फिक्स खोखा नहीं है, कोई स्टॉल नहीं है, कोई दुकान में है तो छोटा सा अपना बाहर डाल रहा है, बस यही है। और इससे कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को। सर, हमने एक वॉचमैन रखा है या ट्रैफिक के ऊपर वो काम करता है, कोई बाइक ऐसे ही रख के चले जावे तो वो साइड में कर देता है, ठेले वाले आवे तो उनको साइड में कर देता है। हम लोग ने पट्टा भी मारा है येलो कलर का, जो हम लोग एक हद में रहते हैं, मतलब एक दबा के उसके बाहर कोई नहीं डाल सकते। ऐसे कर में हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन है ना, मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली मिल वर्कर्स के बच्चे लोग हैं अभी, क्योंकि मिल सभी बंद हो गया, और मिल बंद होने से कि हम लोग को कुछ रोज़गार नहीं है, और रोज़गार के वजह से फिर हम लोगों ने एक ये लाइन छूना है जो कपड़े का हम लोग धंधा करते हैं, उनको उनका डिमांडिंग कुछ और है, और जो हम वो पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक को देंगे हम लोग, यहाँ पे 4 पॉलिटिशियंस और खड़ा हो जाएगा, बोले उसको दिया हमको भी दो, उसको दिया मेरे को दो, ये चीज़ यहाँ पे 100% होने वाला है। इसके लिए हम लोग है ना तकलीफ सहन करेंगे, लेकिन हम लोग उन लोग के सामने नहीं झुकेंगे। ना रोजी रोजगार है, सब लोग भाई बहनों बच्चे छोटे बड़े सब इधर ही पैदा हुआ, इधर ही बूढ़ा होने को आए, इधर ही मर जाते हैं, मगर चैन से रहने को खाने को नहीं देते, छोटे छोटे बच्चे किधर जावे। हम लोग हैंडीकैप है, मैं बर्तन का धंधा लगाता है, वो नौकरी कोई देते नहीं और काम कर सक नहीं सकता है, और नौकरी अपंग है मैं, तो इधर ही धंधा छोटा सा लगाते है बस। अभी तो ये 15 दिन से घर में ही बैठे है, क्या करेंगे, लगाने देंगे तो बैठेंगे ना, ऐसे ही बैठे रोज बंद करके बैठे। इस कमाटी में हम लोग इतने डरते थे, ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ किस पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में रेड लाइट एरिया कहा जाता है, लेकिन जब से ये कमाटी पूरा कपड़े मार्केट का मार्केट बन गया है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, गंदगी खत्म हो गई है, लोगों को डर मिट गया है, अच्छे से अच्छे लोग वालकेश्वर से भी आ रहे हैं, दिल्ली और पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। हम लोग एक ही गली में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अभी कभी कोई इंसिडेंट हुआ या किसी इमरजेंसी होगा बिल्डिंग में, सेकंड फ्लोर पे होगा समझिए, तो ये कपड़े वाले ही है जो जाके ऊपर से नीचे उठा के उसको लेके आके टैक्सी में या एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते हैं। जो पब्लिक है ऐसे नहीं कि काली क्राउड करते, ये लोग काम भी आते, सोशल वर्क में भी काम करते। और दूसरी बात, BMC आज इतना एक्शन ले रही है, पुलिस आज इतना एक्शन ले रही है, इनको क्या रोड पे जो बांधे हुए ऑफिस है, मैं अपना इनका बोल रहा हूँ मनसे वाले का, उन्होंने पूरा फुटपाथ पे नहीं, पूरा रोड पे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ऑफिस है, फर्स्ट ग्राउंड है, फर्स्ट है, उसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है बाकायदा, मीटर, वो इनलीगल है, फुल इलीगल है, वो इलीगल नहीं, इलीगल का शब्द अगर कोई होता दूसरा तो वो उसके ऊपर का इलीगल है। और दूसरी बात, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये जो गलत ही है एक्चुअली, सब लोग कल उठ के पॉकेट मारे, डाका डाले, क्या करें, हाँ कोई जॉब दे सकते हो आप, बोलो, नुकसान होएगा। अभी मैं ही, मेरे एक दो लड़की है, लड़का नहीं है, अभी कमाने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ, आप ही बताओ क्या करने का मेरे को। अभी मेरा हस्बैंड 70 साल है, अभी मेरा किधर काम मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा, अभी धंधा करते हैं, धंधा करेगा तो ये लोग गड़ी गड़ी के आके सता रहा। आपने अपने पैसे से खरीद के लाया या कर्ज लेकर लाया? वो कर्ज से भी लेते, अपन का पैसे से भी लेते, कुछ नहीं रहे तो सोना चांदी भी गिरवी रख के धंधा करते है इधर का। हम लोग बढ़ता है धंधा लगाता है, छोटा छोटा बच्चा आदमी नहीं है मेरा, अभी कैसा भी करके हम लोग पेट भरता है, पर करने नहीं देता वो लोग, क्या करेगा, भगा देता है हम लोग को मार मार के। मैं इसके लिए क्या करे सर, कोई लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए खाली, बाकी किसके लिए नहीं है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। देश में यूं तो बेरोजगारी हर तरफ छाई हुई है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। अगर कोई अपनी ईमानदारी के साथ अगर कोई बिजनेस करता है, कारोबार करता है किसी तरह का, और अगर वो फुटपाथ पर करता है तो उसे वहाँ भी जीने नहीं दिया जा रहा है। लोगों के साथ अब ईमानदारी लगता है ख़त्म हो गई है, और अगर कोई अपना पेट अपना परिवार पालना चाहता है तो उसे उस परिवार को अपना पेट भी पालने नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त हम कमाडीपुरा के नवी गली में मौजूद हैं, जहां पर 2 दिन से BMC की ज़बरदस्त कार्रवाई चल रही है, जिससे सताए लोग यहां मौजूद हैं, जो अपनी अपनी परेशानियों को लेकर आज खबर एक्सप्रेस के साथ हैं, और वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनके कारोबार पर हमला किया जा रहा है, उनके छोटे छोटे जो
कर्ज लेकर यहाँ पर ठेला लगाते हैं, कहीं से माल लाते हैं, उस माल को भी बीएमसी उठा ले जाती है, कर्ज भी उन्हें देना होता है और घर में जो बच्चे हैं वो भी भूखे सोते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सलीम भाई क्या मामला है, क्यों इतने लोग यहाँ पर जमा हैं, क्या वजह है कि 2 से 3 दिन में आपको कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं। ये मार्केट एक्चुअली 40 साल से भी ज़्यादा हो गया जो हम लोग का चल रहा है, जो दत्ता सामान का जो मिल्स हुआ संप, उसके बाद ये जो लोगों ने छोटा छोटा धंधा रोड पे लगाना शुरू किया, उसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, हाँ ऐसे करके ये मार्केट बना। ये मार्केट भी 4 घंटे का है, शाम का 4 घंटे में भी पिक आवर है समझो 6 से 8। हमारा कोई फिक्स खोखा नहीं है, कोई स्टॉल नहीं है, कोई दुकान में है तो छोटा सा अपना बाहर डाल रहा है, बस यही है। और इससे कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को तो तकलीफ का तो मामला ऐसा है कि जहाँ पर ठेले लगते हैं, पथरी लगती है, वहाँ पर ट्रैफिक का इशू होता है, महिलाओं को कुछ आने जाने में दिक्कतें होती है। इसको लेके हमने सुना कि यहाँ पर PIL भी दी गई है और उसके ज़रिए जो है काम करवाया जा रहा है। सर हमने एक वॉचमैन रखा है या ट्रैफिक के ऊपर वो काम करता है, कोई बाइक ऐसे ही रख के चले जावे तो वो साइड में कर देता है, ठेले वाले आवे तो उनको साइड में कर देता है। हम लोग ने पट्टा भी मारा है येलो कलर का, जो हम लोग एक हद में रहते हैं, मतलब एक दबा के उसके बाहर कोई नहीं डाल सकते, ऐसे कर में हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन है ना मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी है ना कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसा है उनको कुछ नहीं मिलने से, उनका डिमांड पूरा नहीं होने से वो लोग है ना ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये जो कर रहे PIL डाला, ये तीन लोग, ये जो तीनों लोग है ये तीनों खाली मतलब पोस्टर है, इनके पीछे डायरेक्टर दूसरा ही है, पिक्चर किसी और की, डायरेक्टर कोई और है, परेशान कोई और है। क्या कहना चाहोगे कि जो परेशानी लोगों को हो रही है क्या उसमें आप भी शामिल हैं? जरूर सारे हैं, हम सब शामिल हैं, सब इसमें जी सभी लोग शामिल हैं इसमें। किस तरह की परेशानियां आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है, आज कम से कम नहीं तो 8 दिन हो गया इस बात को, 8 दिन हो गया है। BMC और पुलिस दोनों हमारे को बहुत तकलीफ़ दे रही है रोड पे। ठीक है, मसला है कि भाई रोड ट्रैफिक जाम होता है, वो होता तो उसके लिए हमने बंदोबस्त किया है, ठीक है, वॉचमैन है, हम लोग भी खुद ध्यान देते उसके लिए, जैसे मैं हूँ, सूर्य प्रकाश भाई है, शेखर भाई है, साउला है, सागर भाई ये है, सब ध्यान देते ही है। क्या लोगों की क्या दिक्कतें यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर आ रही है, क्या परेशानी लोगों को आ रही है जो इस तरह की कंप्लेंट हो रही है? सर मेरा नाम चंद्रशेखर कुड़क्याला है और मैं यहीं का रहवासी हूँ। मेरा दादा यहाँ पे पहला है ना बाइकला में खटाव मिल करके था, और यहाँ पे मोस्टली मिल वर्कर्स के बच्चे लोग हैं अभी, क्योंकि मिल सभी बंद हो गया, और मिल बंद होने से कि हम लोग को कुछ रोज़गार नहीं है, और रोज़गार के वजह से फिर हम लोगों ने एक ये लाइन छूना है जो कपड़े का हम लोग धंधा करते हैं। और सब यहाँ पे ये जो SP रोड है ये ना इधर से कोई BST बस जाती है, ना बड़ी गाड़ियाँ जाती है, ये एक अंदर की रोड है। ये नहीं ना आप बेलासिस रोड देखो, BST बस है, जो दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, ट्रैफिक यहाँ पे ट्रैफिक होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली लोकल्स है। फिर क्यों कंप्लेंट हो रही है इस पर? वही मैं बोल रहा हूँ साहब, यहाँ पे ना उन लोग कुछ चाहते हैं हमारे से, यानी गरीबों को आराम से ईमानदारी से खाता हुआ देख नहीं सकते, नहीं देखना चाहते उन लोग, उनको उनका डिमांडिंग कुछ और है, और जो हम वो पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक को देंगे हम लोग, यहाँ पे 4 पॉलिटिशियंस और खड़ा हो जाएगा, बोले उसको दिया हमको भी दो, उसको दिया मेरे को दो, ये चीज़ यहाँ पे 100% होने वाला है। इसके लिए हम लोग है ना तकलीफ सहन करेंगे, लेकिन हम लोग उन लोग के सामने नहीं झुकेंगे। एक परिवार अपना रोजी रोटी कमा कर खाता है तो उसे खाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जिनके परिवार को किस तरह से वो पालते हैं वो आपको दिखाई देंगे। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर ये ठेला, ये कारोबार, ये बिजनेस आपका नहीं लग सकता है तो कितना नुकसान होगा परिवार में? बहुत होता है नुकसान, चोरी भी हो जाता है, सब हो जाता है, हम लोग कुछ ऐसा धंधा ही नहीं करने देते हैं, पोटना रोजी रोजगार है, सब लोग भाई बहनों बच्चे छोटे बड़े सब इधर ही पैदा हुआ, इधर ही बूढ़ा होने को आए, इधर ही मर जाते हैं, मगर चैन से रहने को खाने को नहीं देते, छोटे छोटे बच्चे किधर जावे हम लोग। तो यानी ये धंधा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है सब लोग के लिए, सब रोजी रोजगार कमा के खा रहे हैं, किसका लूट के नहीं खा रहे हैं, और उसमें आ जाते हैं सब लोग, ये करो वो करो ये करो तो किधर जाएंगे हम लोग। हैंडीकैप है, मैं बर्तन का धंधा लगाता है, वो नौकरी कोई देते नहीं और काम कर सकने सकता है, और नौकरी अपंग है मैं तो इधर ही धंधा छोटा सा लगाते हैं बस, लगाने नहीं दे रहे, नहीं लगाने दे रहे, बैठने नहीं दे रहे हम। नुकसान हुआ अभी तक? अभी तो ये 15 दिन से घर में ही बैठे है, क्या करेंगे, लगाने देंगे तो बैठेंगे ना, ऐसे ही बैठे रोज बंद करके बैठे। धंधा कैसे चल रहा है?
चलता है कैसा भी इधर उधर करके कैसे भी चला लेते हैं। कर्जा बिर्जा कर बच्चे ने मेरे दो भाई है, मम्मी है, मैं है। परिवार को तुम पाल रही हो? हाँ, और मैं हैंडीकेप है। हमको ये दिक्कत है कि हम थोड़ा थोड़ा रोज माल लगा के बेचते हैं, खाते हम लोग को 50-100 रुपया मिलता है, जो भी हम लोग का खर्चा निकलता है इससे। और हम लोग को ऐसे ही बंद कर देंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग ऐसा पढ़े लिखे नहीं कि हम नौकरी पे जाए कुछ करें, वैसा हम लोग को नहीं था। जो है हम लोग इधर रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, बस वही हम लोग का वो है बस। कहा जा रहा है कि ये जो आपका इलाका है, ये जो है नॉन फेरी वाला जोन है, तो यहाँ पर आप जिस तरह से ठेले लगा रहे हैं तो इससे बीएमसी और पुलिस को तो तकलीफ होगी ही। मैं सागर कटवी सेंटर से हूँ, मेरा नाम कांतिलाल जैन है। मैंने यहाँ 40 साल पहले से मेरा धंधा चालू किया था, छोटे से रूप में किया था। उसके बाद यहाँ एक शंकर अन्ना करके थे, वो भी गांव में है, वो 2-2 रुपया 1-1 रुपया का टुकड़े बेच के इस मार्केट को पूरा डेवलप किया है। इस कमांडी में हम लोग इतने डरते थे, ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ किस पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में रेड लाइट एरिया कहा जाता है। लेकिन जब से ये कामाटी पूरा कंपनी मार्केट का मार्केट बन गया है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। गंदगी खत्म हो गई है, लोगों को डर मिट गया है। अच्छे से अच्छे लोग वालकेश्वर से भी आ रहे हैं, दिल्ली और पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। बहुत सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, कोई लूज लपट नहीं करता है। और हम लोग सब हिंदू मुस्लिम मिल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे सलीम भाई हैं, प्रकाश भाई हैं और सब बहुत सारे हैं, सब एक दूसरे को मिल के काम कर रहे हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो डिपार्टमेंट काम करेगा, उसको अपने कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो बाहर के आके उसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो रही है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि रास्ता जाम हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, कुछ वारदात होने की भी खतरा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने तो कहा था कि हम वॉचमैन रखे हैं और उसके ज़रिए काम हो रहा है, तो कैसे इन लोगों का आप वो करें मन करेंगे जो लोग खुश हो रहे हैं? सर, हम लोग एक ही गली में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अभी कभी कोई इंसिडेंट हुआ या किसी इमरजेंसी होगा बिल्डिंग में, सेकेंड फ्लोर पर होगा समझिए, तो ये कपड़े वाले ही है जो जाके ऊपर से नीचे उठा के उसको लेके आके टैक्सी में या एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते हैं। अभी कितने, अभी इनका आदमी तबीयत ख़राब हुआ, इनको अभी वो हॉस्पिटल लेके गए, वो टैक्सी में हमारे हाथ में जान निकल गया। ये जो पब्लिक है ऐसे नहीं कि काली क्राउड करते, ये लोग काम भी आते, सोशल वर्क में भी काम करते। और दूसरी बात, बीएमसी आज इतना एक्शन ले रही है, पुलिस आज इतना एक्शन ले रही है, इनको क्या रोड पे जो बांधे हुए ऑफिस है, मैं अपना इनका बोल रहा हूँ मनसे वाले का, उन्होंने पूरा फुटपाथ पे नहीं, पूरा रोड पे इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ऑफिस है, फर्स्ट ग्राउंड है, फर्स्ट है, उसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है बाकायदा, मीटर। वो इनलीगल है, फुल इलीगल है वो। इलीगल नहीं, इलीगल का शब्द अगर कोई होता दूसरा तो वो उसके ऊपर का इलीगल है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उस पर बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों? पॉलिटिकल इशू है वो, पॉलिटिकल में कोई हाथ ही नहीं डालते। आज देखिए यह सब धंधे बंदे, आप देखो आगे वड़ा पाव वाला खुला है, वो दूसरा एक स्टॉल खुला है, हाँ फ्रूट वाला खुला है, हाँ वो बीएमसी वो नहीं देखते। हाँ अपने गन्ने का जूस खुला है, बहुत कुछ है, यहाँ पे जाओ तो फर्नीचर वाला खुला है। सिर्फ तकलीफ के ये 2-3 गली का ही तकलीफ है उनको कि भाई इधर ये लोग धंधा करते, 4 पैसे कमाते, हम हमारे फैमिली के लिए कमाते, हाँ हमारे पीछे भी खाने वाले 4-5-6 जन, हाँ ये चीज़ उनको देखा नहीं जाता है। और दूसरी बात, ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये जो गलत ही है एक्चुअली, सब लोग कल उठ के पॉकेट मारे, डाका डाले, क्या करें? हाँ कोई जॉब दे सकते हो आप, बोलो? ईमानदारी से अगर नहीं कमाने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा, लोगों के चैन छीनेंगे, पॉकेट मारेंगे और लोगों की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्या ऐसे में फेरी वाला जोन अगर चालू होता है या आपको धंधा लगाने नहीं दिया जाता है तो कितना नुकसान होगा आपके परिवार को? बहुत नुकसान होएगा। अभी मैं ही, मेरे 2 लड़की है, लड़का नहीं है, अभी कमाने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ? आप ही बताओ क्या करने का मेरे को। अभी मेरा हस्बैंड 70 साल है, अभी मेरा किधर काम मिलेगा, किधर नहीं मिलेगा? अभी धंधा करते हैं, धंधा करेगा तो ये लोग गड़ी गड़ के आके सता रहा। हमारे गली में ना ऐसा ईमानदारी इधर कामाटीपुरा में किधर नहीं मिलेगा। हाँ कामाटीपुरा बहुत अच्छा है, इधर से ना बड़ा छोटा हो बड़ा भी हो गया, इधर से डॉक्टर लोग है, इंजीनियरिंग लोग है, सब लोग है, ये कमाई करके बच्चे लोगों को पढ़ाते इधर का। हाँ इस चीज़ का आप धंधा लगाती है? कपड़ा बेचते हैं मैं। तो कपड़ा आपने अपने पैसे से खरीद के लाया या कर्ज लेकर लाया? वो कर्ज से भी लेते, अपन का पैसे से भी लेते, कुछ नहीं रहे तो सोना चांदी भी गिरवी रख के धंधा करते हैं इधर का। तो अब ये धंधा बंद हुआ है तो इसका नुकसान और इसका ब्याज आपको भरना पड़ रहा है? भरना पड़ता है, क्या करने का, वही तो पूछने के लिए मैं आया अभी। हम लोग बढ़ता है धंधा लगा रहा है, छोटा छोटा बच्चा आदमी नहीं है मेरा, अभी कैसा भी करके हम लोग पेट भरता है, पर करने नहीं देता वो लोग।
क्या करेंगे, भगा देते हम लोग को मार मार के। मैं क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है? वही परेशानी है हम लोग गली का, जो गली का यही घड़ी घड़ी पुलिस आ के है और म्यूनसिपालिटी वाला भी आ रहे है, पतारा उठा के लेके जा रहे है। कभी मैं ऊपर जाता है और बस पतारा हमारा औरत को रख के भी आगने जा रहा है और उठा के लेके जा रहे थे। घड़ी घड़ी कितना भरने का फाइन, फाइन भर भर के भी इतना धंधा नहीं, फिर भी इतना पीछे हमारे पीछे पड़ा है। हम लोग धंधा नहीं करेगा तो खाएगा क्या? हमारा कुछ सुविधा कर दो, हम बाजार बंद कर देगा, सबको लगा दो नौकरी पे, गवर्नमेंट नौकरी पे सब बंद कर देगा बाजार। ये परेशानी तो हर एक की है और हर कोई परेशान है कि हिंदुस्तान में नौकरियां जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। लोगों से कहा जा रहा पकोड़े तलो, अगर वो पकोड़े तले भी तो कहाँ, फुटपाथ पे ही तलेगा, और फुटपाथ पे तलेगा तो बीएमसी आके उसे हटा देगी, तो वो अपना रोज़गार ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। सर अभी पोजीशन ये है, दिखाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन ये लोग दुकानों में घुस के माल लेके जा रहे हैं बीएमसी, इनको कौन राइट्स है? आपको दुकान में घुस कर आप माल निकाल के लेके जा रहे हो, इसके लिए क्या करें सर? कोई लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए है खाली, बाकी किसके लिए नहीं है? तो ये गरीब लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी किसी ना किसी तरह से चले, अगर रास्तों से हमें उठा दोगे तो हम घर चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी भूखे रह जाएंगे, हमारा परिवार भी भूखा रहेगा, और ऐसे में अगर हम कुछ और करते हैं, किसी तरह के क्रिमिनल अगर मानसिकता हमारी बनती है तो इसका जवाबदार कौन होगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बीएमसी लेगी, क्या सरकार लेंगे, या वो लोग लेंगे जो इस तरह की पीआईएल डाल रहे हैं और लोगों को उनके कारोबार से, उनके छोटे छोटे व्यवसाय से रोक रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें खबरें एक्सप्रेस।